दोस्तों ये LG का LED है 32 इंच का, और ये बंद कंडीशन में आया, पूरा डेड, रेड लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रही, कोई इंडिकेटर कुछ नहीं। अब मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे देखिए फ्यूज ओपन है, इसके ऊपर पहले भी कोई जम्पर बंधा हुआ था ऊपर से, वो भी ओपन हो गया, ऊपर से जो बंधा हुआ था वो भी शॉर्ट है। तो अब मैंने इसे खोल कर चेक किया, ये देखिए जम्पर ऊपर से बंधा हुआ था पहले, अब शॉर्ट है। अब जब फ्यूज ओपन है तो फ्यूज ओपन होने के जो रीज़न होते हैं दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, या तो ये फीएफ शॉर्ट है जो कि दिख नहीं रहा है, बिल्कुल सही है, फीएफ सही लग रहा है, शॉर्ट नहीं है, और मीटर से और चेक कर लेंगे। और अगर फ्यूज के बाद में नेक्स्ट आता है ये ब्रिज रेक्टिफायर, अब ये शॉर्ट होने पर भी फ्यूज ओपन हो जाता है, और अगर ये भी सही है तो इसके बाद आता नेक्स्ट ये STR, और जब STR शॉर्ट होता है तो इसमें पक्का, ये देखिए आप, ये जो PWM IC है ये भी ख़राब हो ही जाती है, बहुत ही कम चांस होते हैं इसके बचने के, और ये दोनों STR और दोनों शॉर्ट होते हैं। तब चलिए चेक करते हैं इसको कि इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पे। फ्यूज पहले फ्यूज बांध के चेक कर लेते हैं, हो सकता है फ्यूज ही बांधने से चल जाए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि फ्यूज जो ओपन होता है फ्यूज वापस करने पर चल भी जाते हैं, तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। पहले फ्यूज को जम्पर करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है कि नहीं है, शॉर्टिंग है तो आगे, नहीं है तो चल जाएगा, तो ओके चला के देखते हैं। दोस्तों मैंने फ़ोन को स्टैंड पर सेट कर दिया है और अब इसे चेक करते हैं। अब इसे चेक करने का जो तरीका है, तो मीटर को सबसे पहले बजर मोड पे करेंगे, यहाँ कर लिया बजर मोड पे, और ये देखिए ओके बीप आ रही है, और फ्यूज ये देखिए फ्यूज ओपन है, बजर बजना चाहिए। पीएफ को चेक करते हैं, पीएफ ओके, बजर नहीं बज रहा है, पीएफ ओके है। अब ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाली पिनों का चेक करना है, ये भी ओपन है, शॉर्ट नहीं बता रहा है, ओके है। ये देखिए जो मेन फिल्टर है इसके पिनों पे देखिए, फुल्ली शॉर्ट बता रहा है, फुल शॉर्ट है, ये देखिए कोई ओम्स रीडिंग नहीं दे रहा है, फुल शॉर्ट है। अब शॉर्टिंग क्या है, STR शॉर्ट होगा, इसे निकालते हैं, STR खराब है, इसे ओपन करते हैं। थोड़ा टेस्ट लगा लेते हैं हीट सिंक की टांगों पर, सिम फ्री हो गई, इसको निकाल लेते हैं, तो टांगे फ्री करते हैं। STR ही शॉर्ट है दोस्तों, ये 524 का मॉड्यूल है ये, और ये लगाएंगे अब इसमें, क्योंकि PWM IC मिली नहीं उसकी, तो PWM IC नहीं मिलने की वजह से अपना STR वापस निकाल लिया, एक्सचेंज से खोल लिया, STR नहीं है अब, और अब इसकी जगह ये वाली लगाएंगे सप्लाई, तो सप्लाई को यहाँ लगाएंगे इसमें। दोस्तों इसको लगाने का तरीका जो है वो आसान साधारण तरीका है, कि ये तार जो है 12 वोल्ट पे कनेक्ट करना है, और ये ड्रेन पे, और ये सोर्स पे करना है।
मेन फिल्टर के कैपेसिटर पे ब्लैक वाला माइनस का जो है फिल्टर फिल्टर पिन पर, फिल्टर की जो माइनस पिन है उस पर ब्लैक लगाएंगे, और ये लगा देंगे ड्रेन पे, और ये लगा देंगे 12 वोल्ट के माइनस प्लस पे, इस तरीका लगाने। लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे अपन, इस ऑटो कपलर को हटाएंगे, ये देखिए जो ऑटो कपलर है इसको फ्री करेंगे और इन तारों को ऑटो कपलर पे कनेक्ट करेंगे, और ये सीधा यहाँ ऑटो कपलर पे हो जाएगा कनेक्ट, इस वाले पे इसके तार यहाँ लगाएंगे, ऐसे चलाएंगे। मैं पहले वायरिंग कर लेता हूँ, फिर आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा। दोस्तों ये मॉड्यूल लगा दिया मैंने 524 वाला, कनेक्शन भी कर दिए हैं, देखिए कुछ इस तरह। अब दोस्तों ये जो मॉस्फेट है, ये देखिए ये वाला, ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, ये शॉर्ट हो गया था तो मैंने दूसरा लगा दिया इसकी जगह। ये बैकलाइट BL बैकलाइट का है या इन्वर्टर का, और अब ये मैंने मोटरसाइकिल का जो इंडिकेटर होता है 12 वोल्ट का, ये लगा के दिखा, ये देखिए ये 12 वोल्ट से चल गया, मतलब 12 वोल्ट पे इसकी सोल्डरिंग कर दी मैंने, जहाँ 12 वोल्ट सप्लाई आती है आउटपुट में, और ये ग्लो हो गया, मतलब अपना जो पावर सप्लाई है ओके, एम्पियर भी ले रही है, कोई ब्लिंकिंग वगैरह और वोल्टेज अप डाउन होना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कंटिन्यू चल रहा है बिल्कुल लगातार, जैसे बराबर रोशनी है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, ओके है, सप्लाई अब ओके हो गई। ये SMPS मैंने LED पर इंस्टॉल कर दिया है, और मॉड्यूल के भी हीट सिंक पे लगा के, ताकि इसे ओवर हीट से बचाने के लिए हीट सिंक लगा दिए। ये फिटिंग मैंने कर दी है टोटल, सारे नट वगैरह लगा के, BL के बैकलाइट के कनेक्शन भी जैक लगा दिया है। ये देखिए सप्लाई सारे बैकलाइट ग्लो हो रही है, दिख रही है, और देखिए अब नो सिग्नल लिखा हुआ रहा है, LED चल रहा है अपना, ओके हो गया LED। आप भी दोस्तों ऐसी कोई समस्या आए तो, अगर STR या MOSFET या जो भी PWM IC नहीं मिलने पर, ऐसे मॉड्यूल लगा के आप अपनी सप्लाई ओके कर सकते हो।
और ये मॉड्यूल सभी सप्लायरों में लगते हैं, ऐसा नहीं कि एलजी में लगे या सैमसंग में लगे, कोई भी कंपनी का एलईडी हो उसमें लगेगा मॉड्यूल, ये सारे जहाँ पे भी एसएम सप्लाई है ये 524।